इस रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बेल बटन दबाने से आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। मैं जैसे ही कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक समर फेशियल का वीडियो शेयर किया था आप सबके साथ और मैंने उसमें एक मसाजिंग क्रीम यूज़ की थी। तो मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर उन्हें थोड़े ज़्यादा अमाउंट में मसाजिंग क्रीम बनानी है और हर एक स्किन टाइप के लिए बनाना है तो क्या इंग्रेडिएंट्स लेना है और कैसे करना है। सो दैट्स व्हाई आज मैं आप सबके साथ इस मसाजिंग क्रीम की रेसिपी शेयर करूँगी। ये मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा था बट आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बाहर रखने से भी ख़राब नहीं होगी। बट मैंने इसे फ्रिज में इसलिए रखा था बिकॉज़ अभी समर्स है और समर्स में गर्मी से आओ, धूप से आओ, देन ऐसे ठंडी ठंडी क्रीम से अपने फेस को मसाज करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुद को अच्छा फील भी होता है, प्लस स्किन के लिए भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दैट्स व्हाई मैंने इसे फ्रिज में रख रखा था। तो बहुत इजी है इसे बनाना और बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ किए मैंने, बिल्कुल कॉमन इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है। मसाजिंग क्रीम होने के साथ साथ ये स्किन वाइटनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा बिकॉज हमने इसमें चंदन का यूज़ किया है। तो चलिए प्रोसेस देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम एक चम्मच नारियल तेल लेंगे। नारियल तेल ऑलमोस्ट हर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होता है। ये एक नेचुरल एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ कैरी करता है अपने साथ और ये एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है। इसके बाद हम इसमें एक चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल में भी एंटी एजिंग और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ये स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ढीली है तो आपके लिए भी ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। देन इसके बाद हम इसमें एक चम्मच स्वीट आलमंड ऑयल ऐड करेंगे। स्वीट आलमंड ऑयल रिच इन विटामिन ए होता है। ये स्किन की पोर्स में डीपली जा कर के स्किन को नरिश करता है, ये डार्क स्पॉट्स को भी लाइटन करता है और ये हर एक स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा होता है। अब जिनके स्किन ऑयली है वो सोच रहे होंगे कि हम इतने सारे ऑयल्स यूज़ करेंगे तो हमारे स्किन में प्रॉब्लम होगा, एक्ने होगा, बट ऐसा नहीं है। हम मसाजिंग क्रीम बना रहे हैं और मसाजिंग क्रीम में ऑयल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मसाज करने से जितना ज़रूरी है ताकि मसाज करने के बाद आपके स्किन को प्रॉपर नरिशमेंट मिल पाए और ऑयल के बिना मसाज नहीं हो सकता और मसाजिंग क्रीम नहीं हो सकती। अब इसके बाद मैं डबल बॉयलर प्रोसेस से मेरे ये जो ऑयल का मिक्सचर है इसे गर्म करूँगी और इसके बाद मैं इसमें एक ग्रीन टी बैग डालूँगी ताकि जो ग्रीन टी के जितने भी बेनिफिट्स और गुड्स हैं वो सारे मेरे इस ऑयल में चले जाएं। आप चाहें तो ग्रीन टी बैग को फाड़ के और सिर्फ ग्रीन टी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, देन आफ्टर आप उसे छान सकते हैं, बट मैंने डायरेक्ट ग्रीन टी बैग ही डाल दिया था। सो ऐसा करने से जितने भी बेनिफिट्स हैं ग्रीन टी के हमारे स्किन के लिए, जैसे कि एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट होता है, ये डार्क स्पॉट्स को, रिंकल्स को, सन डैमेज को, फाइन लाइंस को, हर एक चीज़ को ट्रीट करता है, वो सारी बेनिफिट्स भी हमारे इन ऑयल में चले जाए। अब आप देख सकते हैं ऑयल का कलर हल्का सा डिफरेंट हो गया है क्योंकि हमने इसमें ग्रीन टी जो डाला था उसकी वजह से। अब मैं इसमें 1/4 टेबल स्पून मतलब 1/4 चम्मच मैं इसमें चंदन पाउडर डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन डालूंगी। बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि गर्मियों का सीज़न है तो ग्लिसरीन डालें या ना डालें, ग्लिसरीन ज़रूर डालना चाहिए, ग्लिसरीन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो 1 चम्मच ग्लिसरीन डालने के बाद अब मैं इसमें अराउंड 3 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करूँगी और अब इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स भी ऐड कर सकते हैं बट मैंने वो नहीं किया है। अब इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ गया है और ये जो छोटे छोटे से दाने आपको दिख रहे हैं ये चंदन पाउडर के हैं। चंदन पाउडर प्रॉपर पाउडर फॉर्म में नहीं था, उसमें थोड़े थोड़े से ऐसे लम्स थे, दैट्स व्हाई ये ऐसा दिख रहा है। सो हमारी ये जो क्रीम है ये बिल्कुल रेडी है। इसे किसी भी क्लीन कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे नॉर्मली भी रख सकते हैं और इसे आप अपने फेस को मसाज कर सकते हैं। मसाजिंग
क्रीम को ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर बनाइए और ज़रूर यूज़ करिए। आई एम श्योर आप भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे इसके यूज़ से। सो यहाँ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ हिट ऑन लाइक बटन, और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।